भादो माह के प्रथम सोमवार पर बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, जहां अवंतिका नाथ ने चांदी की पालकी में सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। बाबा महाकाल की सवारी शाही ठाटबाट के साथ शाम 4 बजे मंदिर से रवाना हुई। कोविड नियमों के तहत निकलने वाली सवारी में पुलिस का अश्वरोही दल, सशस्त्र बल की टुकड़ी और पुलिस बैंड शामिल किया गया था, जहां मंदिर प्रशासन ने पालकी के साथ केवल पुजारियों को रहने की अनुमति प्रदान की थी। वहीं निर्धारित मार्ग से होकर सवारी मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के तट रामघाट पर पहुंची। रामघाट पर पुजारियों ने शिप्रा जल से बाबा महाकाल का अभिषेक और पूजन अर्चन किया। देखिए, आज भादों की प्रथम सवारी है, इसके बाद 2 सवारियां और हैं, और हमेशा की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो इसके लिए एक छोटे रूट से और सभी पुजारियों के साथ में और प्रशासन के लोगों के साथ में सवारी निकाली जा रही है, लेकिन इसको भव्य तरीके से निकाला जाए ये हमेशा हमारी तरफ से कोशिश रहती है और आज भी उसी प्रकार से सवारी निकाली जा रही है। इसके ऑनलाइन दर्शन के लिए, सवारी के दर्शन के लिए और कमेंट्री के लिए लिंक्स शेयर किए गए हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपया घर पर ही बैठकर उसका आनंद लें और उसमें न केवल सवारी बल्कि सवारी के इतिहास और उज्जैन के इतिहास के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाए। वहीं पूजन के बाद सवारी विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इसके साथ ही इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।